यूपी की गाजीपुर सदर सीट पर बीजेपी को पटखनी देने के लिए सपा ने जयकिशन साहू को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने जयकिशन साहू को सदर सीट पर अपना कैंडिडेट बनाया है। अब जयकिशन के जरिए समाजवादी पार्टी बीजेपी के पारंपरिक वैश्य वोट बैंक में सेंध लगाने की योजना पर काम करती दिख रही है। इस सीट पर बीजेपी से संगीता बलवंत चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से गाजीपुर सदर से जयकिशन साहू जखनिया विधानसभा क्षेत्र के जलालाबाद दुल्लापुर के रहने वाले हैं। पेशे सेवा कारोबारी हैं और सियासत में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से ही इस दल से जुड़े हुए हैं। साहू सपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करते हुए खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। आपके यूपी में से कौन सी विधानसभा क्षेत्र आपको लगता है? 375 विधानसभा गाजीपुर, सदर गाजीपुर। तो अब की बार किन मुद्दों के लेकर के आप वोटिंग करेंगे? मुद्दा तो साफ है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन चीज़ों को जो है देखते हुए इस बार जो चुनाव है हम तो साफ साफ सपा को वोट करेंगे। क्षेत्र है और क्या मूड है की बार, क्या किन मुद्दों के लेकर के चुनाव? विधानसभा 375 विधानसभा गाजीपुर, सदर विधानसभा गाजीपुर का मैं रहने वाला हूँ और अब की बात समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे और श्री जयकिशन साहू जी को ही जिताना है। और हम ही नहीं, समाज के सभी लोगों ने जो है मन बना लिया है और हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मन बना लिया है कि श्री जयकिशन साहू जी को जिता करके श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को और मजबूत करेंगे और इस 2022 में जो है श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री जरूर।